कल की तैयारी। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारत के कई हिस्सों में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बर्फबारी का अनुमान। उत्तर भारत के पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक में बारिश की संभावना, पूर्वी भारत में भी कुछ जगह बरस सकते हैं बादल। बंगाल की खाड़ी में चलेंगी करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, समुद्र में जाने से बचे मछुआरे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबर से। बता दें आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज और कल कुछ जगहों पर काफी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। और बात करें इसकी रफ्तार की तो इनकी रफ्तार रह सकती है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। बता दें आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही हिमाचल और पंजाब में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसी तरह की हवाएं यहां भी कुछ इलाकों में चलने के आसार बने हुए हैं। उत्तर के इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं बिजली भी चमक सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही है। बता दें आपको कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं, तो वहीं बिहार और झारखंड में भी कल कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। बात करेंगे उपमाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो आज यहां पर कुछ हिस्सों में कोहरा छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कल दक्षिणी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और यहां पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और इन तेज हवाओं को देखते हुए फिलहाल मछुआरों को सलाह है कि वे समुद्र का रुख ना करें। आइए अब बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और बता देते हैं आपको कि आगे आने वाले दो दिनों की अगर हम बात करें तो देश में कहां बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम साफ बने रहने का अनुमान है। मौसम के हाल में सबसे पहले नजर डालते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दो दिन कुछ जगह बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आज कई जगह तो कल कुछ जगह बादल बरसेंगे। उत्तराखंड में भी आज और कल कई जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही पंजाब में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं पानी बरस सकता है। वहीं हरियाणा और दिल्ली में दो दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज और कल इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं आज पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है तो पूर्वी राजस्थान में बारिश का अनुमान नहीं है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कल इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत पर नजर डालें तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण गोवा में बादल नहीं बरसेंगे। विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में कल कहीं कहीं बरसात का अनुमान है, जबकि ओडिशा में दो दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी बादल नहीं बरसेंगे, जबकि उपमाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज और कल कहीं कहीं बरसात हो सकती है। वहीं असम और मेघालय में भी दो तीन अलग अलग हिस्सों में पानी बरसने के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी आज और कल कुछ जगह वर्षा संभव है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर नजर डालें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ इलाकों में आज और कल बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी दो दिन बारिश नहीं होगी।
आज और कल कर्नाटक में भी बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज और कल कहीं कहीं बरसात हो सकती है। साथ ही केरल में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप में आज और कल बारिश नहीं होगी, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दो दिन कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो जानिए आपने मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश के हाल के बारे में। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई कुछ एक इलाकों में। वहीं बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां पर कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ बरसात दर्ज की गई, तो असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तो जान लिया आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कहां कहां बारिश हुई। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं इसी तरह तापमान के हाल के बारे में। और आपको सबसे पहले बताएंगे हम अधिकतम तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगह, तो पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। बता दें आपको, गुजरात में कई जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं कोंकण और गोवा में भी जगह जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। और वहीं सबसे ज्यादा तापमान कर्नाटक के गुलबर्गा में रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बताएंगे आपको न्यूनतम तापमान का हाल। तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम रहा, तो छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। बात करेंगे हम ओडिशा और झारखंड की, तो कई इलाकों में तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। वहीं मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं तेलंगाना और रायलसीमा की बात करें तो कई जगहों पर तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। और वहीं मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में रहा, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया आपने कि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हाल रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेती बाड़ी की। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने, पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श शुक्रवार रात 10 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोग और कीट फसल के बड़े हिस्से को हानि पहुंचाते हैं और इससे उपज में कमी तो आती ही है, साथ ही साथ फसलों की गुणवत्ता भी इससे काफी हद तक प्रभावित होती है, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। इस नुकसान को कम करने के लिए समय से उठाए गए कदम किसान को वाजिब दाम दिलवा सकते हैं। तो इस समय किसान अपनी फसलों में क्या क्या जो सस्ते कार्य हैं कर सकते हैं जिससे कीट और रोगों का नियंत्रण हो सके, आइए इस पर विस्तार से जानकारी के लिए आइए आप दिखा देते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निमाड़ घाटी के किसान गेहूं की फसल में लगातार निगरानी रखें। रतुआ रोग के लक्षण दिखाई देने पर डाइथिन M45 दवा को पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। साथ ही यहां के किसान चना फसल में फली छेदक का प्रकोप होने पर फेरोमोन ट्रैप लगाएं। प्रति एकड़ के हिसाब से किसान 3 से 4 जाल लगाएं। मध्य प्रदेश में झाबुआ क्षेत्र के किसान चने की फसल में इल्लियां दिखाई देने पर प्रोफेनोस और साइपरमेथ्रिन दवा की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़के। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसल को चूसक कीटों से बचाने के उपाय करें। इसके अलावा आम के बागों में किसान फिलहाल सिंचाई से बचे, मिलीबग को नियंत्रित करने के लिए पेड़ के तनों में ग्रीस लगाए। अब बात महाराष्ट्र की। पुणे के किसान सब्जी फसलों में सिंचाई करें और मिट्टी में नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान तरबूज की फसल में लीफ माइनर को नियंत्रित करने के लिए प्रोफेनोफॉस की 20 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सिंधुदुर्ग के किसान धान की फसल में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। महाराष्ट्र में राहुरी के किसान तैयार चना फसल की कटाई कर ले, साथ ही गन्ना फसल में मिलीबग को नियंत्रित करने के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। तो अभी का जो समय है काफी रोगों और कीटों के लिए संवेदनशील होता है और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसान जो है अपने खेतों में लगातार निरंतर निगरानी बनाए रखें और किसी भी कीट या फिर रोग का अगर आपको प्रकोप नजर आता है, लक्षण नजर आता है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप सही समय पर उसके नियंत्रण के लिए आप उपाय करें और कृषि विशेषज्ञों को संपर्क जरूर करें और वो जो दवाओं का इस्तेमाल आपको बताते हैं, वो जो उपाय आपको बताते हैं, उनके अनुसार ही अगर आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी फसल को बचा सकेंगे और आगे चलकर अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार आप हासिल कर पाएंगे। तो ये तमाम बातें हैं जो आपको खेती किसानी करते समय बिल्कुल जरूर ध्यान में रखनी है, खास तौर पर इस मौसम को ध्यान में रखते हुए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं बैंगन की बुआई के बारे में। ये जो समय है बिल्कुल बैंगन की बुआई इसमें बिल्कुल सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन आपको अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसकी सिंचाई तक सभी बातों का ध्यान रखेंगे। ऐसे में इसकी बुआई का क्या है सही तरीका और साथ ही साथ कौन कौन से कीट हैं जो हमारी फसल को प्रभावित कर सकते हैं और कौन से वो प्रबंधन कार्य हैं जो सही तरीके से करने पर हम आगे चलकर इसका सही उत्पादन ले सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए आपको दिखा देते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले, खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई
पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टॉम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपन मेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो अभी आपने एक खास रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी बैंगन की खेती पर। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। आप इसके लिए तैयारियां कर सकते हैं और इस बात को आप सुनिश्चित कर लें कि आप अपने क्षेत्र के लिए जो उन्नत किस्म अनुमोदित की गई है उसी का चयन करें खेती की शुरुआत करने के लिए। और साथ ही साथ आप बुआई भी बेहतर तरीके से करें। सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है और बुआई जब आप कर लेते हैं उसके बाद प्रबंधन कार्य भी करना बेहद ज़रूरी है, जैसे खरपतवार नियंत्रण है, रोग की का नियंत्रण भी आपको सही तरीके से सही समय पर करना है, अन्यथा आपकी फसल को काफी नुकसान पहुंच सकता है, वो प्रभावित हो सकती है। और इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखकर अगर बैंगन की खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे चलकर आप इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे और जब मंडियों में बिकवाली करेंगे तो उसके अच्छे दाम भी आपको जरूर मिलेंगे। बैंगन की खेती के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको हम बता देते हैं कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए वो कौन सी खेती किसानी की खास बातें हैं जो आपको जहन में रखने की जरूरत है। आइए बता देते हैं आपको कि असम के किसान जो हैं उन्हें सलाह है कि मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें और यहां के किसान लौकी और भिंडी के लिए भी खेतों को तैयार जरूर कर लें। वहीं अरुणाचल प्रदेश में आलू की फसल में हल्की सिंचाई का काम जरूर कर लें किसान। इसके साथ यहां के किसान तैयार मक्का की कटाई का काम भी इस मौसम को देखते हुए कर सकते हैं, सफलतापूर्वक करें। वहीं अरुणाचल प्रदेश के किसान राजमा की बुआई का काम कर सकते हैं। और बात करेंगे हम जम्मू क्षेत्र की तो यहाँ पर किसान ग्रीष्मकालीन सब्जी फसलों की नर्सरी तैयार जरूर कर लें और जम्मू के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च और बेल वाली सब्जियों की नर्सरी इस समय लगा सकते हैं। साथ ही बात करेंगे हम मेघालय की तो यहाँ के किसान हल्दी और अदरक की तैयार फसल की खुदाई सावधानी पूर्वक जरूर कर लें। तो अभी आपने जान ली मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इन सबको आप ध्यान में रखकर अगर खेती किसानी करेंगे तो बिल्कुल आप इसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे, अच्छा उत्पादन आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार विशेषज्ञ से खास बातचीत के दौरान जानेंगे कि फरवरी के इस महीने में किसान कौन कौन सी फसलें लगाकर लाभ ले सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, जल्द ही लौटेंगे मौसम खबर में। चार साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है
खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें यहां पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे मेघालय के जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है, टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी अच्छी तरह से तैयार कर लें। वहीं त्रिपुरा में तैयार आलू की फसल की खुदाई का काम कर लें किसान। बात करेंगे हम त्रिपुरा की ही, तो यहाँ के किसान तैयार सब्जी फसलों के पौधों की रोपाई का काम भी सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं नागालैंड में मक्का, आलू और अदरक के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। और वहीं यहाँ के किसान गोभी की नर्सरी तैयार करें और साथ ही जल भराव से बचाव जरूर करें। वहीं हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें किसान। साथ ही दिल्ली और आसपास के किसान भिंडी की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। और यहां के किसान इस समय टमाटर और मिर्च के पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि इस समय किसान कौन कौन सी उद्यानिकी फसलें लगाएं और साथ ही किन बातों का खास ख्याल रखें जिससे उन्हें लाभ मिल सके। इस बारे में दूरदर्शन किसान संवाददाता मुकुल शर्मा ने बात की डॉक्टर आनंद शर्मा से, जो कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में उद्यानिकी वैज्ञानिक है। फरवरी का महीना अब चल रहा है और ऐसे में जो मौसम है उसमें भी बदलाव हमें देखने को मिलता है, खासतौर से हमारी जो बागवानी की फसलें हैं वहाँ पे हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केवी के गाजियाबाद से उद्यानिकी वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत कुमार जी। डॉक्टर अनंत बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे बागवानी फसलों की अगर बात की जाए क्या विकल्प हैं किसान अगर उनको लगाना चाहते हैं। इस समय जो है हम जैसे कुछ किसान भाइयों ने हमारी टमाटर की पौध तैयार कर रखी हैं तो वो अपने टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे भिंडी जिन लोगों को लगानी है वो भिंडी की बुआई इस समय कर दें और ध्यान रखें कि भिंडी की जो बुआई करनी है वो रेस बेड पे उठी हुई क्यारियों में ही करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। कुछ किसान भाइयों ने जो पपीते लगाने वाले किसान हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा टेम्परेचर हो गया है और मैं तो कहूँगा कि इस समय जो है सीधे हम पौधे की अगर रोपाई हम पपीते की करते हैं तो एक ही साल में जो है हमें फलत मिल जाती है और उसमें नुकसान से जो पाले से ज़्यादा नुकसान हम लोगों को होता है उससे भी बचा जा सकता है। तो हम इस समय जो हमारी जो खेती में हम कर सकते हैं, एक तो हम जो हमें रोपाई करनी है जैसे टमाटर की है, बैंगन की है, उसकी रोपाई कर सकते हैं और जो बीज आई हैं उसकी कर सकते हैं। जैसा साथ ही साथ मैं बता दूँ जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं हमारी, तो कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं जैसे भिंडी है वो सॉरी आपका लौकी, तोरई, करेला, ककड़ी, इनकी जो है बीजाई का समय चल रहा है और हमारे किसान जो हैं वो उसकी बुआई हमें कर दें और उसके लिए भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जितनी भी कद्दू वर्गीय बेल वाली जो फसलें हैं हमारी उसकी जो है बुआई नालियों में ही करें और नालियों में हमारी एक तो पानी की बचत होती है, साथ ही साथ हमारा जो है निकाय गुड़ाई की भी समस्या जो बनी रहती है उससे भी जो है हमें निजात मिल जाती है, क्योंकि अगर हम खुले में हम क्यारियों में जो है अगर बिजाई करते हैं कद्दू वर्गीय तो उसमें क्या है कि ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं और उसमें हमारा निकाय गुड़ाई पे हमारा ज़्यादा खर्च आता है। जी बिल्कुल, लेकिन इससे पहले जो किसान इसकी रोपाई कर चुके हैं या जो खेती कर रहे हैं बागवानी फसलों की, उन्हें इस मौसम में किस तरह की देखभाल की आवश्यकता है? देखिए जिन लोगों ने पहले से कर रहे हैं हमारी जैसे पपीते की खेती हमारे से पहले से कर रहे हैं तो उसमें इस समय क्या है कि अब टेम्परेचर बढ़िया हो गया है, सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण करने की आवश्यकता है। एक अच्छी सी निकाय गुड़ाई हम अपने खेत में करें और निकाय गुड़ाई करने के बाद जो उसके फर्टिलाइज़र हैं, जो उर्वरक हैं, संतुलित उर्वरक हैं, उसका इस समय इस्तेमाल करें, चाहे वो टॉप ड्रेसिंग के रूप में हो या थाले विधि से देने की ज़रूरत है तो वो हर पौधे के जड़ के पास जो है वो हम जो उर्वरकों की संतुलित पोषक तत्वों की जो मात्रा है संतुलित उर्वरकों की वो हम पौधे में जो है वो डाल के एक हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि देखिए अब दिना दिन
जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को जितने भी उद्यानिक फसलें हैं, चाहे वो सब्जी वाली हों, चाहे फल वाली हों, चाहे फूल वाली हों, तो उसमें जो है सिंचाई का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें जो है हमारे किसान भाई जो है अभी 7 से 8 दिन में सिंचाई, और जैसे जैसे ये टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाएगा उसमें जो है फिर 4-5 दिन के अंतराल पर जो है वो सिंचाई करते जाएँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो देखिए जाना आपने बागवानी की जो फसलें हैं, किस तरह के विकल्प आपके पास, कौन कौन सी ऐसी नई फसलें हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं, और जो फसलें आपने पहले ली हुई हैं उनकी देखभाल आपको कैसे करनी है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन चंद्रमोहन यादव के साथ मुकुल शर्मा, दूरदर्शन किसान। तो जान लिया आपने, ये जो समय है भिंडी टमाटर बैंगन कद्दू वर्गीय सब्जियों आदि के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, आप इन्हें लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जिन किसानों ने बागवानी फसलें पहले ही लगा रखी हैं उन्हें भी देखभाल किस प्रकार करनी है अभी आपने जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे और बता देते हैं आपको बुलेटिन में आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है मौसम के हाल में। बता दें आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज और कल कुछ जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, और अगर बात करें इन हवाओं की रफ्तार की तो ये 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। बता दें आपको हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही हिमाचल और पंजाब में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार है। और वहीं हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसी तरह की हवाएं कुछ इलाकों में यहाँ भी चल सकती है। साथ ही उत्तर के इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं बिजली भी चमक सकती है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। बता दें आपको कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। और वहीं बिहार और झारखंड की बात करते हैं तो कल कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही आज उपमाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया रह सकता है। वहीं हम बात करेंगे दक्षिणी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी की, तो कल यहां पर कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं, और यहां पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और तेज हवाओं को देखते हुए यहां के मछुआरों को सलाह है वे समुद्र का रुख फिलहाल ना करें। तो ये था मौसम का हाल, और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।